Hello dear students, my name is Laki Aujan and I am your EBS teacher for class 5th. In class 5th EVS, we have started learning our chapter number 16, that is our pride 3. And we have already completed 2 parts of this chapter, and today we are going to start part 3 of this chapter, and this part is named as पंडित मदन मोहन मालवीय सो हेयर इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पंडित मदन मोहन मालवीय तो so, प्यारे बच्चों कक्षा पांच के ईवीएस में हम हमारा अध्याय सोला पढ़ रहे हैं इस अध्याय में हम कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्वों के बारे में जान रहे हैं तो so, अब तक दो भागों में हमने कई प्रसिद्ध लोगों को जाना है और आज इस तीसरे भाग में हम जानने वाले हैं पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में सो so, Annie Besant has expressed her views about a person in very emotional words. She said I can definitely say that amongst several opinions only Ji Maharaj stands as a symbol of Indian unity, so here is the picture of any Besant and this any Besant has expressed her viewpoint about a person in very emotional tone and she said that if i say that definitely in

ऐसी बात कही और बहुत ही इमोशनल तरीके से कही बहुत ही सामयिक रूप से या भावुक होकर के उन्होंने ये बात कही कि अगर मैं ये मानूं कि बहुत सारे अलग अलग जो विचार प्रस्तुत किए जाते हैं उन सभी में से अगर पूछा जाए पता किया जाए तो वास्तव में जो मालवीय जी हैं या मालवीय जी महाराज हैं वो हमारे देश की यानी भारत की जो भारतीय एकता है उसके एक सिंबल हैं उसके एक प्रतीक है तो एनी बेसेंट ने मालवीय जी को हमारे भारतीय एकता का एक प्रतीक माना था तो ऐसे थे हमारे पंडित मदन मोहन मालवीय जी सो एंड दैट पर्सन पंडित मदन मोहन मालवीय यस वी टॉक्ट अबाउट इट ही वॉज अ पोइट बाय बर्थ हिज पोइटिक नेम वॉज मकरंद एंड हेयर इज द पिक्चर ऑफ पंडित मदन मोहन मालवीय तो बच्चों ये सारी बात जिनके बारे में एनी ने कही थी वो बिल्कुल पंडित मदन मोहन मालवीय जी ही थे और ये जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे ये जन्म से ही एक कवि थे यानी बहुत पहले से अपनी कविताएं इन्होंने लिखना शुरू कर दी थी और कविताओं में इनका जो नाम ये लिखा करते थे वो नाम था मकरंद ना he had a strong desire that such an education system and educational institutions should be established in india where due respect can be given to our indian culture and this viewpoint was very important at that time so he had a strong desire and that desire was simple that such an educational system should be developed in india where our culture, Indian culture should be given desired. रिस्पेक्ट और द ड्यू रिस्पेक्ट तो मद, मदन मोहन मालवीय जी की ये बहुत बड़ी इच्छा थी इच्छा ये थी कि हमारे देश में भारत में जो शिक्षा का तंत्र है या जो भी शैक्षिक संस्थान हैं वो इस प्रकार के होने चाहिए या इस प्रकार के शैक्षिक संस्थान स्थापित किए जाने चाहिए जहाँ पर कि हमारे भारत देश की जो संस्कृति है यानी हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसको उपयोग तो सम्मान प्राप्त हो, यानी भारतीय संस्कृति के अनुसार शिक्षा दी जाए। दिस एम ही टू इस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी इन वाराणसी हिज डिजायर और दिस एम ही फाइनली डिसाइडेड टू अ यूनिवर्सिटी इन सिद्ध सिटी ऑफ वाराणसी तो मालवीय जी ने अंततः अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए ये निर्णय लिया या ये निश्चित किया कि वो एक विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे और वो विश्वविद्यालय वाराणसी शहर में बनाया जाएगा ना दस ही एक्सप्रेस हिज व्यूज अबाउट द प्रोजेक्ट इन द ट्वेंटी सेशन ऑफ द कांग्रेस कमेटी एंड ही एक्सप्रेस दीज व्यू पॉइंट इन द ट्वेंटी सेशन ऑफ़ द कांग्रेस कमेटी और मालवीय जी ने अपने ये विचार कि वो एक ऐसी विश, ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहते हैं जो कि भारतीय संस्कृति के अनुसार हो या वहां जो शिक्षा प्रदान की जाए वो भारतीय संस्कृति के सम्मान के साथ में वहाँ दी जाए तो उन्होंने अपने ये विचार 21वें सेशन में जो कांग्रेस का 21 कांग्रेस कमेटी का 21वां सेशन था वहाँ पर अपने विचारों को उन्होंने प्रस्तुत किया देन ऑन द होली डे ऑफ मकर संक्रांति ही got as donation the land required to establish the university from the then king of banaras Today, it is known as the Banaras Hindu University. So, after प्रजेंटिंग हिज व्यू पॉइंट इन दी फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस कमिटी ही फाइनली गॉट द लैंड एज द डोनेशन फ्रॉम दिंग ऑफ बनारस एंड दिस यूनिवर्सिटी वॉज टेमलाइज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी तो बच्चों मदन मोहन मालवीय जी ने उसके बाद मकर संक्रांति का जो पावन दिन होता है उस दिन उन्होंने दान के रूप में जो जमीन थी विश्वविद्यालय के लिए ये वो प्राप्त की ये दान किसने दिया तो ये दान उन्हें दिया उस समय के जो बनारस के राजा हुआ करते थे उन्होंने तो विश्वविद्यालय के लिए जमीन जब उन्हें दान में प्राप्त हो गई तो उन्होंने उस विश्वविद्यालय पर कार्य करना शुरू कर दिया और क्योंकि ये जमीन जो थी वो बनारस के राजा ने दी थी इस यूनिवर्सिटी का या इस विश्वविद्यालय का नाम रखा गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नाउ After getting the land, Malvirji started collecting the. डोनेशन सो ही बट ही नीडेड डोनेशन टू फर्दर एस्टैब्लिश द यूनिवर्सिटी तो उन्हें जमीन तो प्राप्त हो गई थी लेकिन वास्तव में पूरा विश्वविद्यालय बनाने के लिए उसकी संपूर्ण रूप से स्थापना करने के लिए उन्हें धन की आवश्यकता थी और इसलिए जैसे ही जमीन प्राप्त हुई मालवीय जी ने दान द्वारा धन प्राप्त करना शुरू किया Wherever he went, he used to explain his scheme of national education to the people. and he started getting a large amount of money. so ना मालवीय जी अब जहाँ भी जाते वो अपनी ये जो विचार था या अपनी ये जो योजना थी किस बात की भारतीय शिक्षा के प्रचार प्रसार की या हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें भारतीय संस्कृति को ध्यान में दक करके शिक्षा देने की ये इस बात को लोगों को बताते और जब वो इस बात को लोगों को समझाते और बताते तो लोग बहुत ही उनकी प्रशंसा करते और साथ के साथ ही उन्हें बहुत सारा धन दान के रूप में प्राप्त होने लगा Gradually, a huge amount of money was collected. Malviya ji also went to Hyderabad and obtained huge donation from the liberal Muslim ruler Nizam. So he collected a huge sum of money through such donations, and he also went to Hyderabad. And from Hyderabad, he got a huge donation from the then Muslim ruler named as Nizam. So Malviya is से लोगों से मिलके उन्हें अपने जो विचार थे शिक्षा के बारे में वो बता के समझा के एक काफी बड़ा जो आ, हम कहें धन था वो इकट्ठा कर लिया था और उस धन की सहायता से अब वो विश्वविद्यालय को बनाने जा रहे थे और इसी के साथ वो हैदराबाद गए और हैदराबाद में उस समय के जो मुस्लिम राजा हुआ करते थे जिन्हें निजाम कहा जाता था तो निजाम जो कि काफी उदार थे उनसे भी उन्होंने बहुत सारा धन दान के रूप में प्राप्त किया ही ट्रेवल्ड अक्रॉस द होल नेशन एंड कलेक्टेड अप्रोक्सीमेटली सिक्सटी फोर लाख रुपीज एंड दैट वॉज सम एट दैट टाइम तो मालवीय जी अपने आ, जो इस कार्य था इस कार्य को करने के लिए पूरे देश में घूमते रहे और अपने पूरे देश की यात्रा के दौरान उन्होंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया जो कि वो विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उपयोग लेने वाले थे तो इस प्रकार से उन्होंने बताया जाता है कि लगभग चौंसठ लाख रुपए इकट्ठे कर लिए थे यानी लोगों से संपर्क करके उनसे दान लेके वो चौंसठ लाख रुपये उन्होंने इकट्ठे किए थे और चौंसठ लाख एक बहुत बड़ा हम कहें धन था उस जमाने के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा अमाउंट था सो so, गांधी जी ड आई हैव लर्न द आर्ट ऑफ सोर्सिंग फ्रॉम माई एल्डर ब्रदर मालवीय जी सो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ़ गांधी जी एंड गांधी जी वंस सैड दट आई हैव लर्न द आर्ट ऑफ सोर्सिंग फ्रॉम माई एल्डर ब्रदर मालवीय जी तो गांधी जी जिनको आप जानते हैं उन्होंने भी एक बार मालवीय जी के बारे में एक बात कही थी उन्होंने ये कहा कि ये जो कला है किस चीज़ की कला कैसे हम अलग अलग जगहों से दो, डोनेशन के द्वारा दान के द्वारा सोर्सेज इकट्ठा कर सकते हैं अलग अलग कार्यों के लिए ये कला वास्तव में मैंने अपने बड़े भाई मालवीय जी से ही सीखी है तो गांधी जी भी इस मामले में मालवीय जी को अपना आदर्श मानते थे ना ही वॉज अ ग्रेट पैट्रियट एंड हैड अ स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन टू वर्ड आ

ऑफ़ इंडिया सो ही एक्चुअली प्रूव टू बी अ रियल रिवोल्यूशनरी लीडर ऑफ दैट टाइम एंड ही है स्पिरिट ऑफ इंडिया तो मालवीय जी उस समय के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता साबित हुए या वास्तव में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लोगों के विचारों में वो लेकर आए और साथ के साथ अपने देश की आत्मा को उसके विचारों को काफ़ी ऊपर उन्होंने उठाया सो so, ऐसे थे हमारे मदन मोहन मालवीय जी सो स्टूडेंट्स ही बिलीव दैट वी विल रिमेन स्लेवस एंटर नेशनैलिटी इज नॉट असिमिलेटेड इन एजुकेशन इट विल नॉट बी एन एग्जेशन इफ वी से दैट ही वॉज द टीचर ऑफ द नेशन तो मालवीय जी ने ये भी कहा कि अगर हम हमारी शिक्षा के अंदर हमारे शिक्षा के अंदर देशभक्ति को और संस्कृति को नहीं मिलाएंगे उनका मिलन नहीं होगा तो हम गुलाम ही रह जाएंगे यानी कहने को तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे लेकिन यदि हमारी शिक्षा प्रणाली में हमारे देश की संस्कृति का सम्मिश्रण नहीं होगा तो हम एक प्रकार से ग़ुलाम ही रह जाएंगी तो ये एक अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम कहते हैं कि जो मालवीय जी थे वो संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक शिक्षक थे संपूर्ण राष्ट्र को संपूर्ण देश को उन्होंने ऐसी शिक्षा दी जो कि बहुत महत्व रखती थी सो

अपने देश के बने हुए या भारतीय उपग्रहों को अंतरिक्ष में सबसे पहले लॉन्च किया था नाउ डॉक्टर होमी जहांगीर मेड इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट इन द फील्ड ऑफ एटॉमिक साइंस सिमिलरली हमने डॉक्टर होमी जहांगीर का जो योगदान है उसको भी पढ़ा था और डॉक्टर भाभा ने हमारे देश को खासकर एटॉमिक एनर्जी के एरिया में या एटॉमिक साइंस के एरिया में यानी आणविक ऊर्जा के क्षेत्र में आणविक विज्ञान के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में आगे बढ़ाया जीजाबाई मैं शिवाजी अ ग्रेट वॉरियर ये दैट ऑल्सो हमने जाना कि जीजाबाई जो कि खुद बहुत ही ब्रेव महिला थी उन्होंने अपने बेटे शिवाजी को एक महान योद्धा बनाया एंड वी ऑल्सो लर्न द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज प्रिपेयर अंडर द प्रेजिडेंटशिप ऑफ डॉक्टर भीम राव अंबेडकर तो बच्चों हमने ये भी जाना कि हमारे देश का जो संविधान था वो संविधान हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में ही बनाया गया था सो स्टूडेंट्स दिस वॉज ऑल फॉर टुडे एंड वी विल बी कंटिन्यू लर्निंग ईवियर्स इन आ नेक्स्ट वीडियो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डूइंग द प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ़ दिस चैप्टर टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग